बिल्कुल मार्केट स्टाइल पिंडी चना बनाने हैं तो जल्दी से रेसिपी देख लो। पिंडी चना के लिए मैंने ओवरनाइट सोक करके रख लिए थे और अभी मैंने इसको बॉईल कर लिया है और इसका वाटर जो है अलग से सेपरेट कर लिया, जिसमें कि मैंने सरसों का तेल बॉईल कर लिया है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे चाय का पानी भी बॉईल कर लिया है। अनियंस मैंने कट कर लिए हैं, साथ में ग्रीन चिलीज ले रही हैं और यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट मेरे पास ऑलरेडी मैं फ्रोजन करके रखती हूँ बिकॉज क्लाउड किचन के लिए मुझे चाहिए होता है। और यहाँ पर हमने ले लिया है हींग, ठीक है। तो जो मसाले हमने डाले हैं जैसे कि जीरा हो गया, रेड चिली फ्लेक्स हो गए, ये कुटी लाल मिर्च है जो कि हम घर में ही पीस। सारे मसाले एक साथ मिक्स करने से क्या होता है ना कि जलता नहीं है, तो अब इसमें मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है और छोला मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा, तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल का आता है। और इसके साथ आप भटूरे पूड़ी जो मर्जी इंजॉय कीजिए, राइस भी बना सकते हैं। मैंने इसके साथ भटूरे बनाए थे और इसके अंदर हमने इसीलिए इसको अलग से डाल लिया ताकि एक साथ हम मसाला डालेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। तो अब गरम तेल में जो है हमने प्याज अच्छी तरह रोस्ट कर लिया और उसी के अंदर हमने टमाटो प्यूरी डाल दिया है और जो ये मसाले मिक्स किए थे जीरा वगैरह ये सारा इसमें डाल दिया। और गैस आप प्लीज़ धीरे कर लीजिएगा वरना ऐसे आग का भपका आ सकता है। तो मैं टमाटो प्यूरी ऑलरेडी बना के रखती हूँ बिकॉज़ मेरा काम ऐसा है किचन का, तो मुझे इंस्टेंट चाहिए होती हैं ये चीज़ें, इसीलिए मैं पहले से प्रिपेयर्ड रखती हूँ। अब इसमें हमने छोले अच्छे से डाल दिए और उसको थोड़ा सा मैशी कर लेंगे ताकि जो है अच्छी सी ग्रेवी प्रिपेयर हो जाए और उससे क्या है टेस्ट अच्छा आता है। और वरना वो खड़े खड़े छोले अच्छे नहीं लगते, तो थोड़े से आप इसको अच्छे से कूट लीजिएगा कुछ छोलों को, लगभग एक कटोरी छोलों को आप अच्छे से कूट लेंगे तो बहुत अच्छी सी ग्रेवी प्रिपेयर हो जाती है। अपने जितना आपको रस्सा रखना है उस हिसाब से आप छोले का पानी ऐड कीजिए और ऊपर से एक अच्छा सा तड़का जो है देगी लाल मिर्च का लगाइए। और ये देखिए कितने खूबसूरत और डिलीशियस छोले बन के रेडी हैं और इनको भटूरों के साथ अचार के साथ इंजॉय कीजिए, नहीं तो पूड़ी रोटी चावल जिसके साथ भी इंजॉय करना हो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय।